क्लास के बच्चों का एक बार फिर से वेलकम। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का आज कर रहे हैं 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड मान ली हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको टैन थीटा चाहिए। एक चीज जो आपको क्लियर हो रही है ना कि यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ना, अदर क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि मेरे को होना किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिए बच्चे, इसमें साइन थीटा दोनों में, इसका साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये 1-2 साइन क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब का एक साइन बाहर आ गया तो ये स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 cos² θ - 1। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अभी मेरे को लगता है कि ये कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसको अलग लिख दिया मैंने, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इसको अलग इनटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा मैंने, 1-2 sin² θ ओवर 2 cos² θ। 2 cos² θ ना बेटा, तो इसको मैं साइन में बदल के लिखता हूं 2 cos² θ। अगर आपको याद होगा cos² θ काय के बराबर होता है, पहली डेंटिटी sin² θ + cos² θ = 1। अगर cos² θ निकालना तो काय के बराबर होता है, cos² θ = 1-sin²θ। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने यहां पे लिखनी है। इसके बाद बिकॉज sin²θ + cos²θ = 1, ये 2 कॉमन ले लिया तो बच गया अंदर 1-cos²θ = 1-sin²θ, ठीक है ना। इस cos²θ की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट अप कर दी 1-sin²θ और ये आ गया -1। ओके, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये आ गया टेन थीटा आपके पास, और ये आ गया 1-2 sin²θ, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2-2 sin²θ और -1। हो गया क्वेश्चन आंसर। अब देखो कैसे होगा, टेन थीटा इज इंटू 1-2 sin²θ ओवर 2 में से 1 काम कर दिया, ये 2 और ये 1, 2 में से 1 काम किया तो 1 आ गया, 1-2 sin²θ ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द आंसर या हेंस प्रूफ, ठीक है ना। जो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले भी लिखा हुआ था वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, नहीं समझ आएगा, कोई स्टेप होगा तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को सेंड करना कि सर ये नहीं आया हुआ। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।